पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा, पीएम ने विपक्ष पर साधा निशान। बैठक में विपक्ष के इंडिया नाम पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा पूरा विपक्ष दिशाहीन, इंडिया गठबंधन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का पलटवार, कहा मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। निलंबित सांसद संजय सिंह का पलटवार, मोदी सरकार की योजनाओं में इंडिया क्यों, इनके पुरखे ईस्ट इंडिया कंपनी से निकले, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। विपक्ष पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला, कहा पीएम ने बताया आजकल इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं लोग, विपक्ष 2024 से पहले मान चुका है हार। सरकार के खिलाफ विपक्ष हल्ला बोल जारी, मणिपुर मामले पर हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में फैसला, जारी रहेगा दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के बयान की मांग। महाराष्ट्र में कई जगहों पर मणिपुर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन, शरद पवार गुट के एनसीपी नेता कर रहे हैं मौन विरोध, मुंबई में मंत्रालय के बाहर भी प्रदर्शन। मणिपुर मामले पर लोकसभा राज्यसभा में भारी हंगामा, लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। मणिपुर हिंसा पर भारी हंगामे के बीच बोले पीयूष गोयल, कहा चर्चा के लिए सरकार तैयार, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी बात। मणिपुर हिंसा के विरोध में इंडिया अलायंस का प्रदर्शन जारी, मणिपुर हिंसा पर पीएम से जवाब की मांग पर अड़े। निलंबित सांसद संजय सिंह ने पीएम पर उठाए सवाल, कहा मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री को संसद में जवाब देना चाहिए, उनके बेटी बचाओ नारे का क्या हुआ। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय सिंह के निलंबन पर सवाल उठाए, कहा पीएम को सदन में देना चाहिए बयान। मणिपुर मामले पर आम आदमी पार्टी का आज देश भर में प्रदर्शन, शाम को दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी के बड़े नेता केंद्र के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। मणिपुर हिंसा मामले पर पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम, सड़क के बाद विधानसभा में भी मणिपुर महिला बदसलूकी कांड को उठाएगी टीएमसी। मणिपुर से सटे राज्यों में मणिपुर हिंसा को लेकर विरोध, मिजोरम के आइजवाल में स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं, पुगी इम्फाल के कोंगबा में केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद कोर्ट में दाखिल की याचिका, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर आज ही सुनवाई की अपील। ज्ञानवापी सर्वे सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक लगाई है रोक, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए गए। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को बताया सही, कहा सर्वे रोकने का कोई आधार नहीं। ज्ञानवापी सर्वे मामले में इंतजामिया कमेटी के वकील का बयान, ईएसआई के सर्वे का कोई मतलब नहीं, जिला जज ने बिना मामले को देखे दिया था फैसला। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर बीएचपी नेता आलोक कुमार का बयान, जिला जज ने ईएसआई को सर्वे के दिए निर्देश, इंतजामिया कमेटी को सच से डर क्यों लग रहा है। गीतिका सुसाइड केस में मुख्य आरोपी गोपाल कांडा बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला, मैनेजर अरुण चड्ढा को भी बरी किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, रामगढ़ बॉर्डर पर पाकिस्तानी स्मगलर को किया ढेर, 4 किलो ड्रग्स और पाकिस्तानी करेंसी बरामद। प्रधानमंत्री मोदी 27 जुलाई को राजकोट के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन, इससे पहले वायुसेना ने हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेकऑफ का परीक्षण किया। अतीक अशरफ हत्याकांड में एसआईटी की जांच रहेगी जारी, अतीक के वकील को नोटिस, नए सबूत मिलने पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी एसआईटी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट।
17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।